आज दिनांक 29/1/2024 को कांग्रेस जिला अध्यक्ष राम कंगन गुज्जर के नेतृत्व में जिला बंद किया गया। दतिया भांडेर सेवड़ा इंदरगढ़ थ्रेड बसई उन्नाव बनोड़ी दतिया शहर पूर्ण रूप से बंद रहा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहा। शासन प्रशासन की तानाशाही को देखते हुए बाजार बंद किया गया। बिजली कटौती पानी समय पर न आना मकानों दुकानों की तोड़फोड़ को लेकर एवं लोगों पर झूठे केस लगाना इन्हीं सब को लेकर जिला बंद किया गया। व्यापारियों दुकानदारों ने पूर्ण रूप से सहयोग किया। मुख्य रूप से रहे माननीय विधायक श्री राजेंद्र भारती जी एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद रहे। दतिया से कमलेश सेठी साहू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन में जनता को ना तो बिजली मिल रही है, ना ही ट्रांसफार्मर, खराब ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। फर्जी केस आज भी पुलिस के द्वारा बनाए जा रहे हैं और गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। जनता ने उम्मीदें भी आपसे लगाई हैं जी, जनता ने उम्मीदें भी तो आपसे लगाई हैं। हम लोगों से उम्मीदें लगाई हैं तो हम लोग विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। आज विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, इसीलिए जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूरा जिला बंद रखा गया था। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे दतिया सेवड़ा भांडेर इंदरगढ़ बड़ौनी पूरे क्षेत्र के व्यापारियों को दुकानदारों को कि उन्होंने बंद का पूरा समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। बाजार बंद करने से उद्देश्य क्या निकला? कुछ तो निकला होगा, सारांश तो निकला होगा कि बाजार बंद करने लोकतांत्रिक तरीके हैं जो गांधीवादी तरीके से अपनाए जाते हैं और इन आंदोलनों के माध्यम से शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन जीतेगा, पानी बिजली की सप्लाई ठीक रखेगा, कानून व्यवस्था को सुधारेगा। यदि इसके बावजूद भी यदि कोई सुधार नहीं होता है तो हम लोग आगे गांधीवादी तरीके से और आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि बाजार बंद करने से औद्योगिक और चरमरा जाती है? अगर आपको प्रशासनिक ढंग से तरीके से सुधारना है तो कलेक्ट्रेट को घेरिए, SP साहब को घेरिए। हम लोग पहले सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, उनको अवगत करा चुके हैं, उसके बाद ही हम लोगों ने ये कदम उठाया है। और इसके बाद जो आप सुझाव दे रहे हैं उन सुझावों पर भी हम अमल करेंगे। लेकिन आज दुख की बात ये है कि आज भी फर्जी लोगों को पुलिस फंसा रही है। फर्जी केसों में एक मर्डर केस अभी हुआ है, उस मर्डर केस में गोयल की जमीन को लेकर विवाद है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के पराजित नेता उनके रिश्तेदारों की जमीन पर निगाह है, इसीलिए और दूसरे जो जिन लोगों ने वो लोग खरीदना चाहते हैं उस विवाद को लेकर पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है और दुरुपयोग करते हुए उन लोगों को मर्डर जैसे केस में झूठे तौर से फंसाया जा रहा है। थैंक यू। सफल रहा है, इस सफल बंद के लिए हम अपनी पार्टी की ओर से व्यापारियों का, आम जनता का, दुकानदारों का, छोटे दुकानदारों का धन्यवाद देते हैं। और ये बंद सफल जो रहा है उसने ये साबित कर दिया है कि दतिया ज़िले की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रशासन से, उनकी व्यवस्थाओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो हमारी जनता की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रशासन पूर्णतः असफल है और इसी कारण से आज पार्टी ने बंद का आह्वान किया था। हमारी मांग है कि बिजली की सप्लाई 24 घंटे रखी जाए, किसानों को 16 घंटे बिजली दी जाए, उनके खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएं जो बिजली विभाग नहीं कर रहा है। सारे विभाग अवैध वसूली करने के नाम पर अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ तथाकथित नेताओं का कहना है कि यदि कोई समस्या है तो विभागों के सामने प्रदर्शन किया जाए, बाजार बंद से आम लोगों को परेशानी हो रही है।
देखिए बाजार बंद भी एक लोकतांत्रिक तरीका है शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसलिए कांग्रेस गांधीवादी तरीके से चलती है और उसी पर चलते हुए हमने आंदोलन किया है। और जो आपने सुझाव दिया अच्छा उस पर भी हम लोग अब कार्यालयों का विभागों का भी घेराव करेंगे और उनको उनकी नींद हराम करेंगे। जो जनता की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जो मूलतः उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करें और जब तक वो पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग निरंतर रूप से जनता के लिए संघर्ष सड़कों पर करेंगे, विधानसभा में करेंगे और न्यायालय में करेंगे।